वाली एक गाड़ी के दाम हम लोग सुन कर ये सुन रहे क्या कि एक कार के दाम है 11 लाख की। वहाँ से कुछ ऐसा सीरीज वगैरह लेनी है जो सरप्राइज में रखी थी, तो गाइस चलते हैं और निकालते हैं अपना गैजेट। यूट्यूबर्स लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, बट हम लोग देखो बर्तन की दुकान खोल के Z900 यहाँ खड़ी कर रखी है यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई एपिसोड। और अभी मैं जस्ट सोकर उठा था, तो गाइज नहा धुल कर भी बहुत ज्यादा मजा आ गया। मेरे को नहीं पता बिग बॉस वाले नहाते कि नहीं नहाते। हम लोग आज चलेंगे गाइज, एक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए। हम धीरे धीरे छोटे छोटे गैजेट वाले ना ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज हम लोग गिव अवे भी करने वाले हैं, और वो गिव अवे हम व्हीकल का करने वाले हैं। मेरे गाइज रेडी रहना और इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो गाइज लास्ट तक टिके रहो। तो फटाफट देखो मैं कहाँ से कहाँ उड़ के आता हूँ, ठीक है। 1 2 3 Afternoon guys, welcome back to my new episode. So guys, अभी मैं देहरादून जा रहा हूँ। अपने लिए कुछ ऐसा सीरीज वगैरह लेके आनी है, अपनी Z900 के लिए कुछ ऐसा सीरीज वगैरह है जो लेकर आनी है। So guys, अभी थोड़ी देर में तुम्हें रेड ब्यूटी भी दिख जाएगी एक। So अभी हम लोगों को जाना है फटाफट घंटा घर। तो अपनी Z900 को मैंने कोल्ड स्टार्ट कर ही रखा था, और काफ़ी दिनों बाद तो मैंने इसके मिरर वगैरह भी निकाल दिए गाइज। तो अभी स्पोर्ट्स मोड है, इसे हटा के हम लोग जाएंगे गाइज रोड मोड में। और चलो ठीक है, ओके। मेरी मम्मी हमेशा कहती है बेटा आराम से चलना है, भगाना मत गाड़ी। एक तो हेलमेट पहन के ना भाई सांस भी फूलने लग जाती है। ओके गैजेट, गैजेट के बाद आने वाले बहुत भयंकर वाले रिएक्शन वीडियो। सो आ गए हंगरी पॉइंट वाला डिलीवरी बॉय। सो काफी स्पीड में चला रहा है भाई, देख लिया होगा पीछे से Z900 आ रही है। बाकी मैंने तो सरप्राइज तुम्हें पहले ही बता दिया कि रिएक्शन वीडियोस आने वाले बहुत लाजवाब वाले। और गैजेट, पहले तो गैजेट लेने जा रहा हूँ, उसके बाद अपने पास एक रेड ब्यूटी भी आने वाली है आज। तो मेरे को बहुत स्लोली चलना पड़ेगा, पहले यहाँ से सफा कर लेते खुद को बाहर को मार्केट की तरफ। सो मैं ग्लव्स लेकर नहीं आया और राइडिंग जैकेट भी लेकर नहीं आया। मौसम ना ठंडा नहीं है, मेरे को अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है मौसम। इतनी अच्छी धूप आ रखी है, इतनी सारी गाड़ियाँ रोड पे चल रही है, और Z900 एक अलग ही टोरे पे। होए होए, तो गाइज ये चेक कर सकते हो 998 किलोमीटर्स, 1000 आज पूरी हो जाएगी। तो 1000 में मैंने सोचा भाई कुछ गिफ्ट वगैरह रख देते हैं। गिव अवे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक गिफ्ट ज़रूर रख सकते हैं हम भी भाई। देखो लैम्बो जैसे ड्रॉप तो नहीं छोड़ सकते 6 महीने के लिए, लेकिन हम जो भी चीज़ ले रहे हैं ना परमानेंट ले रहे हैं, और वो चीज़ों की ज़रूरत थी तो इसलिए हम लोग ले रहे हैं। धीरे धीरे ना जो भी लेंगे ना भाई अपने दम पे लेंगे, और लेने के बाद ना भाई उसे हमेशा रखेंगे। ऐसा नहीं है आज ले ली कल दे आओ। तो गाइस लेट्स गो।
यहाँ पे बम भी बहुत ज्यादा है। वाह मजा आ गया। गाइस ये विली मारने को रेडी हो रही है। सोन 1000 किलोमीटर डन गाइस, 1000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं अपनी गाड़ी को, 1000 किलोमीटर। तो गाइस एक वीडियो बना लेता हूँ 1000 की खुशी पे। काफी दिन बाद गई है भाई, काफी दिन बाद 1000 किलोमीटर ना गाइस, काफी। तो इसीलिए मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ था जो मैं लेने जा रहा हूँ। हो पीछे फेंकने को तैयार है भाई ये। टच कर दी 200। भाई 200 लगा दी मैंने इसे मैंने 200 लगा दिया आराम से। जीप वाला बहुत तेज चल रहा है भाई। अब देहरादून पे आ गया हो ना तो कैमरे दिखेंगे। मैं पहुंच चुका हूं रिस्पना पुल पे।
सो गाइज ये चेक कर सकते हो, अभी हम आए पूजा फोटोग्राफर। सो गाइज यहाँ से कुछ एक्सेसरीज वगैरह लेनी है जो सरप्राइज में रखी थी। तो गाइज चलते हैं और निकालते हैं अपना गैजेट। गाइज इंस्टा 360 ले लिया और अब आएगा वीडियो वगैरह बनाने में मज़ा। तो गाइज माउंट वगैरह सब ले लिया और अपनी Z900 यहाँ पे लगी हुई है भाई, अब से आने वाला है। जब से बहुत भयंकर वाली वीडियो वगैरह आने वाली है, बहुत ही भयंकर वीडियो। सो इसको भी यही अनबॉक्स वगैरह कर रहे हैं। तो तो गाइस फाइनली हमने Insta X2 ले लिया है, ये मैंने अभी लगा रखा है, इसकी कुछ फुटेज वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, बाकी अब से आने वाले बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली वीडियोस। तो गाइस अभी मेरे को यहाँ से चलना है। तो मेरे को अभी पेट्रोल पंप में फ्यूल अप भी करवाना है गाइस। गाइस पैसा आता है और जिंदगी में पैसा आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो अभी जस्ट मैं अपने Insta 360 को चेक कर रहा था और मेरी मम्मी ने एक सवाल पूछ ही लिया है। वो फाइनली मैं वही सोच रहा था, उसी चीज़ का वेट कर रहा था कि मेरी मम्मी वो सवाल पूछे। तो मेरी मम्मी ने ये सवाल पूछा कि बेटा ये आया कितने का, कुछ कहना चाहता। और मेरी मम्मी को नहीं पता कि Insta 360 का क्या काम है। मेरी चाय गिर गई नीचे, तो मम्मी का आलसी बेटा। अभी मैं देहरादून से जस्ट Insta 360 लाया, एक्टिवेशन वगैरह किया और एक सिप पहले चाय पी लेता हूँ। अदरक वाली बनी है, बहुत यम्मी हो रही है।
यूट्यूबर्स लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, बट हम लोग देखो बर्तन की दुकान खोल के Z900 यहाँ खड़ी कर रखी है यहाँ पे। हाँ भाई है ना अपना स्वैग। पिटो को बना दे लैम्बोर्गिनी, बॉडी पार्ट लगाना है बटरफ्लाई। क्या फायदा भाई इतनी बड़ी गाड़ी लेने का जब तूने निकालनी नहीं है चार दिन तक है? फिर तू कहीं ठोकेगा और उसमें एमसेल चिपका देगा, फिर बोला क्रैश, फिर बोलेगा क्रैश हो गई एंगल लैम्बोर्गिनी। भाई Z900 ऐसी खड़ी रहती है यहाँ पे, धूल मिट्टी लग रही है, वहाँ हंटर है उसमें भी धूल मिट्टी लग रही है, ऐसी घर पे एक्सपल्स लगी हुई है देखो प्रो। भाई यार और लोग जा रहे लैम्बोर्गिनी लेने सेकंड हैंड, वो भी यार बता भाई, वो भी किराए पे नहीं है, वो भी फाइनेंस करवा के कुछ 6 महीने के लिए। बता यार कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसे कैसे यार सब्सक्राइबर्स है यार जो ऐसे को फॉलो कर रहे हैं। अरे रामदेव बाबा जूनी सिंह बाल्टी लेके जा भाई, अबे वो बनाओ इस पे एलन क्या होता है वो जय गणेश जय गणेश, वो भी बढ़िया है भाई वाली पीछे वाली। ये गाड़ी के दाम हम लोग सुन कर हाईए सुन रहे क्या कि ये कार के दाम है 11 लाख पर 150 बनाता होगा 300 का 300 टॉप जाती है 300 लास्ट अरे 11 लाख रुपया भी होता है। हाँ वो भी है, जितना बड़ा रुपया उतना बड़ा इंजन। हाँ पैसा भी तो लगा है उतना क्या। हेलो